वे बहुत विनम्र और मिलनसार इंसान थे, हमें उन्हें खोकर बहुत दुख हुआ है। ये बात हर उस शख्स की जुबान से सुनी जा सकती है जो उद्योगपति रतन टाटा से कभी मिला हो या फिर उन्हें जानता हो। टाटा स्टील के रिटायर्ड वाइस प्रेसिडेंट आरएन शर्मा ने रतन टाटा के साथ अपनी दोस्ती की उन यादों को ताजा किया जो 60 के दशक के आखिर में झारखंड के धनबाद जिले के एक गांव में शुरू हुई थी। 12 अप्रैल को अपना 100वां जन्मदिन मनाने वाले आरएन शर्मा ने कहा कि रतन टाटा ने बेहतर अंदाज में हर काम को पूरा करने में ईमानदारी और जुनून दिखाया। Public sector and as a chairman Coal India. And the first time I met Mr. Ratan Tata was in 67-68. He came to Jamadowa where I was chief mining engineer and for almost getting acquainted with the mining and systems. So for 2 weeks he was with us and I would take him every day. Showing him the mind and all that. सबसे ज्यादा जो हम लोग के लिए किया है ना, हम लोग को फ्रीडम दिया टू थिंक बिग एंड टू कम्पीट नॉट विद अदर इंडियन स्टील प्लांट्स बट विद द जापानीज एंड जर्मन टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो इन अ वे ही मेड अस बेंच मार्क एंड ही मेड अस थिंक इफ द जापानीज कैन डू इट द जर्मन्स कैन डू इट व्हाई कांट वी। And that made us think how to become like the Japanese, like the Germans and others. जमशेदपुर स्टील बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक टाटा स्टील का घर माना जाता है। रतन टाटा टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा की जयंती के मौके पर हर साल 3 मार्च को जमशेदपुर में होने वाले संस्थापक दिवस समारोह में शामिल होना कभी नहीं भूलते थे। टाटा स्टील प्लांट में काम करने वाले लोगों का कहना है कि रतन टाटा के निधन से उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उन्होंने अपने परिवार का कोई करीबी सदस्य खो दिया है जो हमेशा उनका ख्याल रखता था। कहना क्या है सर, आज इतना बड़ा माँ दुर्गा देवी का हम लोग पूजा है और हम लोग का जो टाटा स्टील के जो बहुत बड़ा देखा जाए तो संस्थापक थे या जो भी बोले हम लोग का मालिक थे, गॉड थे, भगवान थे, जिसके चलते जो हमारे सब साथी लोग हम लोग घर परिवार चलता है। आज हम लोग दुनिया छोड़ के चल गए तो ऐसा लग रहा है सर हम लोग अकेला हो गए, हम लोग पीछे कोई नहीं है। बहुत दुखी है सर, बहुत दुखी है सर। ये माँ दुर्गा देवी का आज पूजा है लेकिन अब घर में बच्चा उच्चा लोग है, आज वाइफ भी बोली बच्चा लोग पूरे घुमाने के लिए लेकिन अब घूमने की इच्छा नहीं हो रहा सर, लगता कोई मेरा अपना कोई मर गया। मेरे तरफ से भाई हम बहुत ही दुख है, अपना एक परिवार का जो सदस्य होता है उससे ज्यादा हम लोग को तकलीफ है। और अभी रहना चाहिए रहते तो और क्या करते सर, रहने से अभी हम लोग को उम्मीद था कि हम लोग का जो वेजेस जिस हिसाब से बढ़ा हुआ है चाहे हम लोग को अंदर में तो बहुत सारा सुविधा मिलता है तो एक नया नया चीज जब भी वो जमशेदपुर आते थे 3 मार्च में तो एक बार मतलब वर्कर के बारे में जरूर ही बात करते थे। अगर हम लोग से बात तो नहीं हो पाता था लेकिन जो भी आपका मैनेजमेंट का आदमी था उनको कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शन दे के जाते थे। कितना ख्याल रखते थे? बहुत। एक मजदूर को जो लोग नहीं कुछ कर पा रहे थे, कम पढ़े हो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, उनको भी ये अपने शरण में लिए। टाटा ग्रुप में अपने दशकों लंबे कार्यकाल के दौरान रतन टाटा ने हजारों लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डाला। आज जब वे इस दुनिया में नहीं है तो लोगों को उनकी विनम्रता, करुणा और दूरदर्शी लीडरशिप याद आ रही है। हम लोग तो शुरुआत कर्मचारी है लेकिन कर्मचारी के रूप में भी जो उन्होंने मानवता का परिचय दिया, जो मान सम्मान एम्प्लॉई को रखते थे, कहीं भी घुस जाते थे न डर न भय। हर एम्प्लॉई के 3 मार्च होगा तो आप देखिएगा एम्प्लॉई के बीच में खड़े हैं, लोगों की बातों को सुन रहे हैं। हम लोग भी जब कभी कोई बात यूनियन का पॉइंट रखते थे तो उसको बड़ा धैर्यपूर्वक सुनते थे और उस समस्या का समाधान करने के लिए एमडी साहब को भी बोलते थे जबकि हम लोग का पॉलिटिकल डिसीजन वही होता था। तो ऐसे व्यक्ति को हम सलाम करते हैं और ऐसे व्यक्ति बहुत कम जन्म लेते हैं संसार में। रतन टाटा को एक बेहतरीन बिजनेस लीडर के साथ उनकी ईमानदारी, नैतिकता और लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहने की उनकी आदत के लिए भी जाना जाता है। टाटा ग्रुप को पूरी दुनिया में पहचान दिलाने का श्रेय भी रतन टाटा को ही दिया जाता है।
86 साल की उम्र में 9 अक्टूबर को उनका निधन मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में हुआ। रतन टाटा 2 दशक से ज्यादा वक्त तक ग्रुप की मैन होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष रहे।